हेलो फ्रेंड, नमस्कार फ्रेंड। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आप भी बहुत ज़्यादा किसी से कॉल पर बात करते हैं, मान लीजिए आप दो तीन व्यक्ति से बात करते हैं, उसमें से एक आपकी गर्लफ्रेंड है या कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो आप दो तीन लोगों से बात करते हैं और आप नहीं चाहते कि किसी तीसरे बंदे को पता लगे कि मैं फ़ोन पर व्यस्त हूँ। मान लीजिए आप रात में किसी भी समय बात कर रहे हैं और आपके पास में फिर कोई दूसरी कॉल आ जाती है जिसको आप नहीं दिखाना चाहते कि आप उस समय फ़ोन यूज़ कर रहे हैं अपना, या फिर किसी से कॉलिंग पर बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं और उस दूसरे व्यक्ति ने आपको कॉल किया, किसी तीसरे व्यक्ति ने, तो आपके कॉल पर बताएगा कि आप जिस व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं वो किसी अदर कॉल पर व्यस्त है, यानी कि किसी और कॉल पर व्यस्त है। अगर आप नहीं चाहते कि आपको, मतलब आपके फ़ोन पे अगर आप किसी से बात कर रहे हैं दूसरी कॉल पर व्यस्त बताए, ठीक है, तो आज ये ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत ही कमाल की ट्रिक होने वाली है और स्टेप बाई स्टेप आपको बताने वाला हूँ और बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है। तो मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक है क्या। तो चलिए गाइस, चलते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर और मैं आपको जल्दी से उसके बारे में समझा देता हूँ, ठीक है। तो गाइज, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, उसके लिए आपको करना क्या है, अपने डायलर पैड में चले जाना है, ठीक है। जैसे आप डायलर पैड में जाएंगे ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा, उसके बाद में आपको यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे तीनों ऑप्शंस आपके सामने खुलकर आएंगे, आपको यहाँ पर सिंपली से सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है, ठीक है गाइस। उसके बाद में आप यहाँ पर आएंगे, जैसे आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है कॉलिंग अकाउंट्स, ठीक है, तो गाइस आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस फिर से दिखाई देंगे, तो आपको यहाँ पर एडवांस सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आप गाइस, आप यहाँ से स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं दिखा रहा हूँ वैसे देखते रहना, ठीक है। और उसके बाद में देखिए, आपको यहाँ पर कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन दिख जाएगा, लेकिन इसको आपने बहुत तरह से देखा होगा, लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये आप सोचेंगे कि ये तो मुझे भी पता है कि कॉल फॉरवर्ड हो जाएगी, लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही यूज़फुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे जिस भी आपको सिम से करना हो, ठीक है। मैं दो सिम है मेरे फ़ोन में, तो मैं, मेरे को इस वाले से करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, तो ये थोड़ी सी यहाँ से लोडिंग लेता है, ठीक है। जैसे ये चारों ऑप्शंस यहाँ पर खुलेंगे ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए गाइज, ये पूरी लोडिंग यहाँ पर इसकी हो चुकी है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ से आपको यहाँ पर सबसे फर्स्ट वाले पर ऑलवेज फॉरवर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर सिंपली से क्लिक कर देना है। तो कुछ ऐसा ऑप्शंस यहाँ पर आएगा जिस भी नंबर पे आप कॉल फॉरवर्डिंग करना चाहते हैं। तो गाइज, मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, रिकमेंड करना चाहता हूँ आपको, आपको यहाँ पर अपना वो नंबर डालना है, अपना किसी का भी जो कि सदियों से नंबर बंद पड़ा हो, जो कि बहुत टाइम से नंबर बंद पड़ा हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर वो नंबर डाल देंगे, तो देखिए गाइज, मैंने यहाँ पर एक नंबर ऐड किया हुआ जो कि बंद पड़ा हुआ है बहुत टाइम से, ठीक है। जैसे ही आप इस नंबर को यहाँ पर डालेंगे और फिर यहाँ पे इसको ओके कर देंगे, ठीक है गाइज, तो यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो अब जो कोई भी आपको कॉल करेगा तो उस व्यक्ति को क्या बताएगा कि आपका फ़ोन नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है, ठीक है। जब भी आपको कोई कॉल करेगा तो आपको यही बताएगा, और ये कॉल फॉरवर्डिंग आपको कब करनी है, जब आपको किसी से बात करनी है, ठीक है। जब आप चाहते हैं कि आप ऐसे व्यक्ति से किसी से बात कर रहे हैं जो कि अगर कोई तीसरा व्यक्ति आपको कॉल करता है तो उसको लगे कि आपकी जो सिम है वो नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है, ठीक है। और उसके बाद में पहले तो आप इसको ये कर देंगे, ठीक है, आप अपनी तरफ से कॉल करेंगे, ठीक है। अगर वो व्यक्ति भी आपको कॉल करेगा तो आपका नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर ही बताएगा, तो आपको अपनी तरफ से कॉल करनी है, तब आप उससे बात कर सकते हैं। और तीसरा कोई आपको कॉल करेगा तो उसकी कॉल नहीं लगेगी, ठीक है, मतलब बताएगा कि नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है। तो गाइज, मैं एक चीज़ आपको बता भी देता हूँ, बात करने के बाद में आप इसको यहाँ से हटा भी देना, ठीक है। तो लेकिन एक चीज़ और भी बता देना चाहता हूँ उससे पहले, कि आप किसी को बता सकते हैं कि भाई मेरे में नेटवर्क इशूज़ हो रहा है या फिर नेटवर्क नहीं आ रहा है मेरे फ़ोन में, ठीक है, तो ऐसा आप बता सकते हैं उसको, ठीक है। और उसके बाद में इसको यहाँ से हटा देना, तो जब भी आपको ऐसा करना हो आप इसको यहाँ से ऑन कर लेना, और अब अगर आपकी बात हो जाए तो फिर यहाँ से इसको ऑफ़ कर देना, ठीक है गाइस।
तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।